ओके okay, चलो तो यहां पे क्या था बच्चों, यहां पे कुछ नहीं करना, प्रोपोर्शनैलिटी आ गई हमारे पास, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। उसके बाद हम सिंपल क्या कर देंगे, एच वन अपॉन एच टू इज इक्वल टू यू वन अपॉन यू टू का होल स्क्वायर। एच वन अपॉन एच टू इज इक्वल टू यू वन अपॉन यू टू का होल स्क्वायर आ गया, दैट्स इट। यू वन बाई यू टू का वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 4/3 का स्क्वायर, ठीक है, आ गया 16/9, सिंपल, राइट? इज दैट क्लियर? यस सर, यस सर, हाँ, जागृति एंड हरित क्लियर है? यस सर, ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, सर एक बार 14 यस समझा दो। क्वेश्चन नंबर 14, यस सर, ओके। A huge rock and a stone are dropped from the same height. Then, सर हमें अज्यूम करना कि ये वैक्यूम में है। यस, हमें अज्यूम करना है, हमें सर अगर अज्यूम ऐसा करना कोई क्वेश्चन आया तो हर बार हमें अज्यूम करना कि वैक्यूम में ही है। है। यस यू आर राइट, हमें हर बार ये अज्यूम करना है कि इट इज निगलेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस, ये चीज हमें अज्यूम करनी है। अगर किसी क्वेश्चन में वो बोलेगा कि एयर रेजिस्टेंस अकाउंट में लो, तब हम लेंगे, अदरवाइज हमें बाय डिफॉल्ट वाली एक जो ऑप्शन होती है ना, तो बाय डिफॉल्ट इज कि हम ये अज्यूम करेंगे कि कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं लग रही। सर तो इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा। यस, बोथ विल रीच दिस ग्राउंड एट द सेम टाइम। यहां तो फिर भी दोनों पत्थर हैं, अगर एक जो हमने वीडियो देखी थी उसमें तो फेदर था, तो वो भी इकट्ठा ही पहुंचेगा। ओके ओके सर, ओके, क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, सर 11th, इलेवेंथ, यस सर, मंथन, इलेवेंथ में अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप रीचेस अ मैक्सिमम हाइट 9.8, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है इसमें। तुमने टाइम एक 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 उसका निकाला होगा, टाइम एसेंट का, टाइम ऑफ एसेंट निकालना होगा। 2 सेकंड आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या, 2 सेकंड नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट टू टू रूट टू टू ही आया। आएगा। देखो मैक्सिमम हाइट मंथन, देख चलो एक मिनट, हमारे पास मैक्सिमम हाइट दे रखी है 9.8 मीटर्स, ठीक है, मैक्सिमम हाइट यहां से। तो क्या मैं टाइम ऑफ डिसेंट निकाल सकता हूँ यहां से? टाइम ऑफ डिसेंट कितना होगा, टाइम ऑफ डिसेंट विल बी, मंथन फॉर्मूला बोलो, रूट एच अपॉन जी, 2h/g, रूट ऑफ 2h/g, रूट ऑफ 2h/g, रूट ऑफ 2 × h इज 9.8 / 9.8, रूट ऑफ 2, रूट ऑफ 2 सेकेंड्स आ गया, ये यस, टाइम ऑफ डिसेंट टू टू, ओके है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया मेरे पास, 2 रूट। सर, ओके, क्वेश्चन नंबर 1, टू, थ्री, फोर, गुड, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5, फाइव 3 आ गया, 3 आ गया, 4 भी आ गया, आ गया, आ गया। भी सर, मैं सोच रहा था, डाउट नहीं, अच्छी बात है, चलो।
5. Question number 3. A ball released from a certain height reaches the ground in time t. So where will it be from the point of release? What will we make? यहां से बॉल इस पॉइंट तक पहुंची हाइट एच टाइम टी कितना होगा टाइम लगेगा या एच की वैल्यू लगा लो या टाइम ऑफ डिसेंट का फॉर्मूला लगा लो कुछ भी लगा लो ना तो मान लेते हैं चलो इक्वेशन लगा लेते हैं तो क्या आएगा इक्वेशन s is equal to ut plus half at t square तो minus h is equal to u 0 plus half minus g into t square तो h is equal to half gt square आ गया equation 1 अब उसने कितने टाइम बाद पूछा है उसने पूछा है 5 by क्या था हां 5 by 60 निकाल h dash ये है h1 चलो h1 कितने टाइम में half g टाइम कितना है 5 by 60 का स्क्वायर ये क्या आएगा h1 is equal to 5 by 6 का स्क्वायर बाहर निकाल लो 5 by 6 का स्क्वायर into half g into t स्क्वायर और ये क्या चीज है ये ऊपर से दिख रही है हमें क्या चीज है h इट इज 5 by 6 का स्क्वायर into h ठीक है हां अक्षिता कर सकते हैं हाफ और g को उड़ा दो चाहे प्रोपोर्शनलिटी से भी कर सकते हैं हाफ g को उड़ा दो Question number 4. A body dropped from a height h at time t is equal to 0 reaches the ground t naught. The time taken by which it would have reached the height h by 2. Question number 4. Body dropped from the height h. Height h से उसको drop किया. ठीक है u zero है. Time उसको लगा t naught. कितना लगा t naught? T naught is equal to root of 2h by g. Time of descent. T is equal to root of 2h by g. अब time taken by it so that it has reached height h by 2. H by 2. अब यहां पे प्रोपोर्शनलिटी से कर लो वही वैसे ही कर लेते हैं प्रोपोर्शनलिटी से तो 2 को उड़ाओ g को उड़ाओ दोनों क्या चीज है कांस्टेंट है तो टाइम क्या है टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ h तो t2 अपॉन t1 इज इक्वल टू रूट ऑफ h2 अपॉन h1 तो बाद वाला टाइम t2 इनिशियल वाला टाइम t0 इज इक्वल टू बाद वाली हाइट h by 2 इनिशियल वाली हाइट h इट इज 1 by root 2 ठीक है तो t2 मेरे पास आ गया t0 divided by root 2 is that clear akashdeep mere end se bilkul sahi hai connection tumhare end pe net internet ki wo hogi isliye screen blur aa rahi hogi ho jayega koi nahi theek ठीक है सिमर क्लियर है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अ स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप 25 मीटर इन द लास्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन द टोटल टाइम ऑफ फॉल क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ कितनी हाइट से फेंका उसको 25 मीटर की हाइट से ये हाइट है 25 मीटर यहां से उसको ड्रॉप कर दिया u0 ठीक है और हमें क्या दे रखा है ये नहीं कि एक टावर से फेंका और लास्ट सेकंड में 25 मीटर की हाइट सर snf 25 है ट्रैवल्स 25 मीटर इन द लास्ट अरे यार सर snf इक्वेशन यस 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 क्वेश्चन दिया हुआ है अ स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ट्रैवल्स 25 मीटर इन द टावर की हाइट हमें पता नहीं भाई कितनी एच हाइट है और लास्ट सेकंड में उसने 25 सेकंड जो है 25 मीटर जो है वो कवर कर लिया लास्ट
लास्ट सेकेंड जी की वैल्यू में दे रखी है टोटल टाइम ऑफ फॉल. मान लो टोटल टाइम ऑफ फॉल है n सेकेंड्स. मान लो टोटल टाइम ऑफ फॉल है n सेकेंड्स, t सेकेंड्स, कुछ भी ले लो. ठीक है चलो अगर मैं n n सेकेंड्स लेता हूं तो ये कौन सा सेकेंड हो गया, दिस इज nth सेकेंड, दिस इज nth सेकेंड. इसका डाउट है ये सुरभि. सुरभि इक्वेशन कौन सी लगाएंगे, SNth is equal to u plus a by 2 2n minus 1. हाँ जी वैल्यूज बोलो. सर u 0. SNth की वैल्यू क्या है सर? SNth 25. प्लस माइनस? सर माइनस. माइनस साथ में साइन बोलना है. माइनस 25 u 0 प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस 10. माइनस 10 अपॉन 2 इनटू 2 इनटू सर n माइनस 1. ठीक है माइनस माइनस उड़ेगा ये आएगा 5 5 इधर आएगा 5 तो 5 इज इक्वल टू 2n माइनस 1. तो मेरे पास n की वैल्यू क्या आ गई 3. n की वैल्यू क्या आ गई 3. तो मतलब जितना मैंने टाइम लेट किया था n सेकंड्स तो इसको टाइम ऑफ डिसेंट मेरे पास आ गया 3 सेकंड्स. तो टाइम ऑफ डिसेंट मेरे पास है 3 सेकंड्स तो आई कैन फाइंड द मैक्सिमम हाइट हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है. नहीं टाइम ऑफ फॉल फाइंड करना है वही आगे यही करना था बस. अगर इसके बाद सपोज आपको पूछा होता कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर वो भी फाइंड कर सकते हैं. कर सकते हैं नहीं कर सकते? यस सर. है ना इस टाइम ऑफ डिसेंट को यूज करो हाइट ऑफ द रूट ऑफ 2h / g से अच्छा जाएगा. ओके तो ये आ गया हमारे पास. ओके नेक्स्ट कंप्रिहेंशन 8 6 to 8 तक. नाइन्थ ये कह रही थी सर मैं. अच्छा क्या कह रही थी अब तुम बताओ. सर इसमें जैसे कि ए ऑप्शन है उसका क्यों नहीं हो सकता और सर सी का भी क्यों हो सकता है. हाँ सी का भी यार. हाँ यू गाइस आर एक्चुअली ये क्वेश्चन ना थोड़ा गड़बड़ है ये. यस सर ये एक्सक्यूज मी सर. यस निवेदिता टेल मी सर क्यों ऑप्शन में हमें दे नहीं रखा कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो हम ये नहीं लगा सकते हैं. तुम लोग बोल रहे हो कि ए का क्या आना चाहिए क्यों होना चाहिए. ए का भी और सी का भी. वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऑन रीचिंग द ग्राउंड. अच्छा ए का हमें दिया क्या हुआ है इसमें इक्वेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इनिशियल वेलोसिटी. सर क्यों नहीं आएगा क्योंकि यू हमको नहीं पता. हाँ यू हमें नहीं दिया हुआ जीरो. यू आर राइट हमें यहाँ पे यू जीरो नहीं दिया हुआ तो वी इज देखो क्वेश्चन नंबर नहीं ऑप्शन नंबर जो एस और टी है ना इसमें हमें दे रखा है. एस में दे रखा है फ्रीली फॉलिंग है इसलिए यू जीरो होगा इसलिए वो सही है. सर और पीछे ना ए का एक आंसर एस और टी दोनों दिए हुए हैं सी का भी एस और टी दोनों दिए हुए हैं तो उस हिसाब से क्यों भी होना चाहिए. यस सर अगर एस हुआ आंसर ए का और सी का जब है तो फिर तो यू जीरो ही आएगा. नहीं नहीं वही जागृति एक्चुअली देखो ए ऑप्शन में वी इज इक्वल टू जी टी दिया हुआ है. सर यस ये कब वैलिड होगी जब यू जीरो है. So yes. U कौन कौन सी ऑप्शन में अब जीरो है. Q में जीरो नहीं दिया हुआ है. S में जीरो दिया हुआ है. T में जीरो दिया हुआ है. Okay. So yes. ना तो A ऑप्शन देखो A के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें Q S और T लग रहा है लेकिन S और T होगा क्योंकि उसमें जीरो दे रखा है U लेकिन Q में U जीरो नहीं दिया हुआ है इसलिए नहीं हो सकता.
अच्छा ठीक है, क्योंकि उसमें तो पता ही है हमें फ्री फॉलिंग उन्होंने दे ही दिया और ये उन्होंने जीरो ही लिया हुआ है। ठीक है हाँ ठीक है, मैं तो किसी और ऑप्शन में बोल रहा था, ये ना लास्ट ईयर भी बच्चों ने बोला था मुझे, किसी और ऑप्शन में बोला था, कौन से में बोला था, v is equal to root of 2gh। और कौन से पार्ट में डाउट है तुम लोगों को? सर डी पार्ट सर, फिर तो सी भी सेम ही है। सी में भी क्या है, सी का भी दिया हुआ है क्या, एस और डी। अच्छा तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था सर? पहले क्यों लग रहा था, पर अभी तो सेम वैसे ही आएगा जब। ठीक है वैसे ही हो जाएगा। अच्छा डी पार्ट में क्या दिक्कत है सर? समझा दे इसके पी एस टी का, पी तो समझ में आ गया, एस और टी कैसे? एस थ्री तीन सेकंड्स में है ना, एस थ्री इज तीन नहीं होगा, ये वो होगा थर्ड सेकंड में होगा। पी में डिस्टेंस ट्रेवल, देखो पी, अच्छा हाँ पी वाला इसलिए समझ आ गया, ठीक है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द थर्ड सेकंड, ठीक है ड्रॉप्ड है तो वो आ गया हमारे पास। इक्वेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग का मतलब है यू जीरो लेना है तो इसलिए एस वाला भी हो जाएगा, पी में भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो इसलिए वो भी हो जाएगा। ओके सर, तो एस और टी में बेसिकली हमें यू की इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो जहां पे भी लेफ्ट हैंड साइड में U जीरो से इक्वेशन बनेगी उसके लिए S और T हो जाएगा। ठीक है तो S और T किसके लिए होना चाहिए, देखो A के लिए U जीरो है, S और T होना चाहिए सबके लिए, B में भी है U जीरो, C में भी U जीरो है, D हाँ सबके लिए बनना चाहिए S और T, ठीक है ना? ओके और कोई इसमें कंफ्यूजन? No, sir. Corrections, हाँ, corrections हो गई हैं actually, ना last year. एक और question में मैं जब तुम लोगों को बोल रहा था ना वो गलत है G वाला, वो भी last year गलत था, ये corrections होके आया हुआ है module. ठीक है चलो अच्छी बात है। Question number 10, 11? Yes, sir. कौन सा? Both, sir. Question number 10 में a ball is dropped from a height, another ball is dropped. अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 10 में अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, कुछ किसी हाइट से बॉल को ड्रॉप किया, u इज इक्वल टू 0 है, अनदर बॉल इज ड्रॉप, ये बॉल a ले लो, अनदर बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट लेकिन आफ्टर 2 सेकंड्स, यहां पे टाइम 0 था, इसका भी u 0 है लेकिन टाइम 2 सेकंड्स हो गया, b बॉल 2 सेकंड, तो देयर सेपरेशन आफ्टर 2 मोर सेकंड्स। अब मान लो बॉल ए को 8 बजे गिराया तो बॉल बी को कितने बजे गिराया था, 8:02 पे गिराया, हमें कब बोला है डिस्टेंस निकालने के लिए, सेपरेशन निकालने के लिए 2 मोर सेकंड्स, तो t इज इक्वल टू 0 था, फिर t इज इक्वल टू 2 हो गया, अब 2 मोर सेकंड्स मतलब t इज इक्वल टू 4 जब सेकंड हो गए उस टाइम पे दोनों बॉल्स में कितनी सेपरेशन होगी, तो ए के लिए टाइम ऑफ ट्रेवल कितना है, ए कितने टाइम के लिए ट्रेवल कर चुका है, ए कितने टाइम के लिए ट्रेवल कर चुका है, 4 सेकंड हो गए यहाँ पे, तो 8:04 तक 4 सेकंड के लिए ट्रेवल कर लिया ए, बी ने कितने देर के लिए ट्रेवल कर लिया, 2 सेकंड के लिए, तो दोनों की डिस्टेंस निकाल लो, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कुछ भी निकाल लो, तो इसके लिए 4 सेकंड के लिए निकाल लो, इसके लिए 2 सेकंड के लिए निकाल लो और दोनों को माइनस कर दो, ठीक है तो एस ए निकाल लेंगे क्या आएगा, 0 है यू तो माइनस मतलब हाफ माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, टी कितना है 4 का स्क्वायर, एस बी कितना आएगा माइनस हाफ जी इंटू 2 का स्क्वायर, इन दोनों को माइनस कर देंगे, ये कितना आ गया 4880 और ये माइनस है ना, ये आ गया माइनस 20 तो 60 की सेपरेशन, दोनों में 60 मीटर की सेपरेशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में अ बॉडी रिलीज्ड फ्रॉम अ ग्रेट, सर सेम ही हो जाएगा अब तो, हाँ अब ठीक है सेम है तो हो जाएगा,
ठीक है, तो वर्टिकल मोशन हो गया हमारा। अब तुम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए तुम लोगों का होमवर्क है एक्सरसाइज टू, ठीक है। एक्सरसाइज टू का तुम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 97 तक करने हैं। 55 से सर? हाँ जी 55 तक कर चुके हैं, 56 से लेके 97 तक, ठीक है। दीज ऑल क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू वर्टिकल मोशन। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर सिमर, क्वेश्चन नंबर 97 तक होमवर्क है, 97 तक, ठीक है, ओके। हम लोगों ने इस वीक में, मैंने तुम लोगों को बोला था एक थोड़ा सा फन सेशन भी रखेंगे, तो मे बी नेक्स्ट क्लास देख लेते हैं, ठीक है। जिस क्लास में भी थोड़ा ऐसा टाइम हम निकाल लेंगे एक क्लास में, तो उसमें 10-15 मिनट वी विल बी डूइंग सम फन, एक दूसरे से बात करेंगे थोड़ा, है ना। ओके अनुप्रीत, क्या चिंटू पिंटू वाला क्वेश्चन? चिंटू पिंटू वाला क्वेश्चन कहाँ था? क्या डाउट है इसमें अनुप्रीत? आयुष, मैं एक बार होमवर्क ग्रुप पे भेज दूंगा, 97 तक है वैसे, बट आई विल सेंड दी होमवर्क ऑन ग्रुप एज वेल। और तुम लोग ये ना टेस्ट भी सॉल्व करना है तुम लोगों ने, ठीक है। वो एक बार यार रीटेस्ट का अभी हुआ नहीं ना, तो वो जब हो जाए तो फिर टेस्ट का भी करेंगे डिस्कशन। ओके, गुड बाय डॉक्टर्स, गुड बाय। थैंक यू सर। ओके, गुड बाय सर। हाँ जी सर, इसमें पिंटू की वेलोसिटी कांस्टेंट दी हुई है। हाँ, पिंटू की वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है सर, ठीक है। अनुप्रीत, यहाँ पे ना टाइम फाइंड करके, हमने टाइम ऑफ डिसेंट यहाँ पे फाइंड कर लिया 10 सेकंड्स, उसके बाद पिंटू को 10 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है। वेलोसिटी हमारे पास है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगा दिया हमने, ठीक है। डिस्टेंस ये 100 था, हाँ स्पीड, ठीक है, वहां से स्पीड आ जाएगी। एक्सक्यूज मी सर। यस मुस्कान सर, मेरा ना 11th का आंसर 15 आ रहा है। 11th का सर? यस। कहाँ पे सर? वो एक्सरसाइज 1 का जे पार्ट का 11th। बाय बाय एवरीवन, बाय। एक्सरसाइज 1 का जे पार्ट का 11th। हाँ, कितना आ रहा है सर? 15। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला एक बार मुस्कान या तो ट्राई करना दोबारा एक बार। मैंने 3-4 बार कर लिया, पहले 3 सेकंड दिया, फिर माइनस उसमें से 2 सेकंड का कर दिया। इसी मेथड से किया था सर? यस सर। ऊपर वाला का तो मेरा आंसर आ गया था कल ही सर, मैंने कल भी ट्राई किया था, ये मेरा आ ही नहीं रहा। एक मिनट, अ बॉडी रिलीज्ड फ्रॉम अ ग्रेट हाइट फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ, अनदर बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम द सेम हाइट एग्जैक्टली 1 सेकंड लेटर, द सेपरेशन बिटवीन बोथ द बॉडीज 2 सेकंड्स आफ्टर द रिलीज ऑफ द बॉडी। 2 सेकंड, देखो पहली बॉडी के लिए कितने सेकंड हो गए हैं इसमें मुस्कान? कितने सेकंड लिए पहली बॉडी के लिए? 3 सेकंड। 3 सेकंड्स, और दूसरी के लिए?
2 seconds. तो पहले का आएगा h1 half g into 3 का square, दूसरे का आएगा half g into 2 का square. और separation delta h दोनों को minus कर देंगे हम, half g into 3 square minus 2 square, which is 5 into 5, 25. मुस्कान यस सर है ना आ रहा है 25 सर यस एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन में गड़बड़ क्यों ओके सर ठीक है ओके प्लस टू वालों एक बार मैं ये सेशन एंड कर रहा हूँ वी विल स्टार्ट दी सेशन अगेन ठीक है तुम लोग दोबारा ज्वाइन कर लेना ओके okay.